अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, द गेमिंग प्लग चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिकेट लीग गेम में गेम की स्पीड को किस तरह कंट्रोल करते हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि स्पीड बार है बाल के लिए, तो इसकी स्पीड को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो गाइज, इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत है, एक्स एट सैंड बॉक्स एंड गेम गार्डियन। एक्स एट सैंड बॉक्स को सबसे पहले आप ओपन करें। ये ओपन होने में 8 से 12 सेकंड तक टाइम लगा सकता है। ओपन करने के साथ ही इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आप देखें फ्रंट स्क्रीन पर प्लस का ऑप्शन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम गार्डियन और एक्स एट सैंड बॉक्स का डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर डाउनलोड यहाँ से नहीं हो रहा तो आप इसको अरोरा प्ले स्टोर है, इसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अरोरा प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया है। इसमें आप सर्च का ऑप्शन है, इस पर लिखें जी क्रिकेट लीग। तो जो सबसे टॉप पे इस पर क्लिक करें, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैंने खाली अपडेट करनी है, तो मैं अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद है जी गेम गार्डियन की एप्लीकेशन, इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, और उसके बाद गेम को ओपन करें तो इस तरह का आइकन आपकी गेम पे आ जाएगा, गेम गार्डियन। गेम गार्डियन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपने स्टार्ट करने के लिए इसमें स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है, जो कि राइट बॉटम पर आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद इसको आप गेम को ओपन करें। गेम ओपन करने के बाद गेम गार्डियन को दोबारा आप क्लिक करेंगे तो दूसरा इंटरफेस आएगा, इस पर आप क्रिकेट लीग को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो निशान आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें सबसे नीचे आपको नज़र आएगा जी स्पीड हैक, और स्पीड हैक को आप प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह ये जो वैल्यू इसमें डली हुई है ये आपने कॉपी कर लेनी है। 0.1 ( 1 ) 10 आप इसको 15 भी कर सकते हैं, जितनी आपने स्पीड कम करनी है और ज़्यादा करनी है ये इसके मुताबिक। इसको ओके कर दें और इसको क्लोज कर दें, रिकनेक्ट करते हैं जी। ये आपके सामने गेम ओपन हो गई। हमने पहले करनी है जी बॉलिंग। अभी आप देखेंगे जी इसकी स्पीड को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। अभी हमने इसको ब्लू पे रोकना है, तो ये देखेंगे जी स्पीड स्लो करके इसको ब्लू पे एकदम रोक लिया। इसके बाद हम बॉल फेंकेंगे, स्पीड को स्लो करने के लिए जी जो मार्क्ड बटन आपको अभी नजर आएंगे इसको प्रेस करना है, तो नीचे आपको वीडियो कम हो जाएगी, और इसको नॉर्मल करने के लिए आपने इससे अगले जो बटन है उनको प्रेस कर देना है। तो अभी मैं देखें पिछला बटन मैंने प्रेस किया और इसको मैंने दोबारा ब्लू पे रोक लिया, ये ब्लू से थोड़ा सा पहले रुक गया है। दोबारा एक बॉल करते हैं। अभी मैं इसको स्लो और बॉल करने के लिए इसको नीचे रोकूंगा येलो पे, ये देखें जी मैंने इसकी स्पीड को स्लो किया और मैं इसको अभी स्लो और बॉल फेंकूंगा।
स्लो के साथ साथ अब कि इस गेम की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं इसकी बार को स्लो करूंगा और मैं ब्लू पे सेलेक्ट करके दोबारा नॉर्मल 1 की वैल्यू पे ले आऊँगा। इसके बाद मैं इसको एकदम तेज़ करूँगा और ये देखें जी बोल्ड हो गया। मैं इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने बोल्ड का ऑप्शन प्रेस किया, अब मैं स्क्रॉल बार की स्पीड को स्लो किया, उसको ब्लू पे मैं रोक दूंगा और मैं अगला बटन प्रेस करके दोबारा इसकी स्पीड को नॉर्मल कर दूंगा 1 पे। ये देखें 1 हो गया। अभी जैसे ही बॉलर करीब जाएगा मैं अगला बटन दोबारा प्रेस करूंगा तो ये 10 की स्पीड और ये देखें ये बोल्ड। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।